हाँ भाई, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 1 है भाई। ए 100 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है और 220 वोल्ट हमने सप्लाई कर रखी है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो आपसे भाई पूछ रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या है और नेट पावर कंज्यूम कितनी होगी फुल साइकिल में। सबसे पहले तो भाई जो गिवन हो लिखो, 100 ओम रेजिस्टेंस था तो आर इज इक्वल टू 100 ओम, देन 220 वोल्ट से कनेक्ट किया है। सबसे मेन चीज जो सीखने की हुई क्या है, जब भी आपसे कहे रजिस्टर है या इंडक्टर है या कैपेसिटर है, इतनी वोल्टेज से कनेक्ट कर रखा है, इसका मतलब वो आपको आरएमएस वैल्यू बता रहा है। याद रखना आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्या चीज है। तो आपको 220 वोल्ट बता दी भाई आरएमएस वैल्यू, ईआरएमएस इतने वोल्ट है भाई। और 50 हर्ट्ज हमारे पास है भाई, फ्रीक्वेंसी बता दी। तो हमसे पूछ रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट भाई, आईआरएमएस फाइंड आउट करना है। और सेकंड पूछा नेट पावर कंज्यूम्ड, पावर कंजप्शन फुल साइकिल में भाई। सबसे पहली बात अगर बात करें आईआरएमएस, तो करंट हमारे पास जो आईआरएमएस होगा वो किसके बराबर होगा, वीआरएमएस अपॉन में रेजिस्टेंस। आरएमएस वैल्यू वोल्टेज डिवाइड बाय में रेजिस्टेंस। अगर मान लिया सपोज ये तो रेजिस्टेंस का था, अब याद किया सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है उसमें फिर आएगा, आपको सिर्फ कैपेसिटर दे रखा होगा, एक बार आपको इंडक्टर दे रखा होगा, आरएमएस वैल्यू करंट पूछेगा आपसे। तो जो भी आपके पास करंट ओपोजिशन करने वाला जो डिवाइस है, चाहे आपका रजिस्टर है या आपका कैपेसिटर है या इंडक्टर है, तो उसका जो रिएक्टेंस बनेगा या रेजिस्टेंस बनेगा, अगर उसको उससे डिवाइड कर देते हैं वोल्टेज को, मतलब वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर देते हैं या वोल्टेज बाय में इंडक्टिव रिएक्टेंस कर देते हैं या वोल्टेज बाय में कैपेसिटिव रिएक्टेंस कर देते हैं, तो आ जाएगा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब वीआरएमएस हमारे पास गिवन है 220 और रेजिस्टेंस हमारे पास है 100, डिवाइड करेंगे तो 2.2 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा करंट आईआरएमएस। देन पूछ रहा है पावर कंजप्शन, और पावर कंजप्शन का फॉर्मूला E0 I0 / 2 था जब सर्किट में अकेला रेजिस्टेंस था तो, ठीक है। अब E0 / 2 को लिख सकते हैं E0 / √2 और I0 / √2। E0 / √2 का मतलब है ERMS और इसका मतलब है IRMS, और ERMS हमारे पास गिवन थी 220, IRMS हम डेराइव कर चुके हैं 2.2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास आ जाएगी पावर कंजप्शन वोट के अंदर, क्योंकि पावर की यूनिट होगी वोट। हाँ भाई, सेकेंड क्वेश्चन है भाई, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। एसी सप्लाई आपको बताई भाई पीक वोल्टेज, मतलब वी नोट आपको बता दिया 300 वोल्ट पीक वैल्यू वोल्टेज। हमसे पूछ रहा है वी आर एम एस बताओ, और भाई नेक्स्ट हमसे भाई पूछ रहा है आई आर एम एस गिवन है 10 एम्पियर, और हमसे पूछ रहा है भाई आई नोट मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट बताओ। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था वी नोट बाई में रूट टू इज इक्वल टू वी आर एम एस, अगर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को रूट टू से डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जबकि वी नोट मेरे पास कितना गिवन है 300 बाई में क्या कर देंगे रूट टू, हमारे पास आ जाएगा वी आर एम एस, आर एम एस वैल्यू वोल्टेज। अगर हमसे बात करें भाई पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालो, तो ऐसे ही आई नोट बाई में रूट टू हमारे पास किसके बराबर होगा आई आर एम एस, जबकि आई आर एम एस कितना गिवन है 10 एम्पियर गिवन है। आई आर एम एस अगर 10 एम्पियर गिवन है, रूट टू मुझे पता है, तो कितना आ जाएगा 10 √2 मेरे पास आ जाएगा आई नोट की वैल्यू, इतने मेरे पास बन जाएगा पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये मेरे पास यहां से आएगी वोल्ट के अंदर वैल्यू, आर एम एस वैल्यू वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। एक 44 मिली हेनरी का इंडक्टर है, मतलब एल गिवन है 44 मिली हेनरी,
और वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट से अगर कनेक्ट कर रखा है, 220 से अगर कनेक्ट कर रखा है, तो इसका मतलब ये हमें आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज बता रहा है 220। अब 220 हमारे पास वोल्टेज बता दी, फ्रीक्वेंसी बता दी हमें भाई न्यू इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी बता दी भाई, और हमसे पूछ रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बताओ। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था आईआरएमएस बराबर होगा वीआरएमएस अपॉन में जो करंट को पोज करने वाली चीज होगी, और करंट को पोज करने वाली चीज इंडक्टर के अंदर होता है रिएक्टेंस, और इंडक्टर का रिएक्टेंस होता है एक्सएल, और एक्सएल होता है ओमेगा एल के बराबर। तो वीआरएमएस अपॉन में ओमेगा एल, और ओमेगा हमारे पास होता है 2πν, तो वीआरएमएस अपॉन में 2πν इनटू एल। वीआरएमएस है हमारे पास में 220, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, न्यू 50 हर्ट्ज, और एल गिवन है 44 मिली, मिली मतलब 10^-3। इसको सोल्व आउट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, वैल्यू आ जाएगी आई आर एम एस की वैल्यू। बिल्कुल सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन भाई 4 है, ए 60 माइक्रो फेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। 110 वोल्ट आपको बताई है, दैट मींस वो आपको आरएमएस वैल्यू वोल्टेज बता रहा है। तो वी आर एम एस हमारे पास गिवन है 110 वोल्ट, और वही 60 हर्ट्ज आपको फ्रीक्वेंसी बता दी, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और कैपेसिटेंस हमें बता दिया भाई 60 माइक्रो फेराड, और हमसे पूछ रहा है आई आर एम एस बताओ। तो आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होगा, वी आर एम एस अपॉन में रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस किसका, कैपेसिटर वाला, और कैपेसिटर वाला जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है एक्सी, और एक्सी और पास होता है 1/ωc के बराबर। तो वी आर एम एस अपॉन में 1/ωc, तो ओमेगा सी पहुंच जाएगा ऊपर, और इसको लिख सकते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस मतलब 110 और ओमेगा 2πν इंटू सी, तो 110 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू 22/7, न्यू हमारे पास 60 हर्ट्ज गिवन है, सी है 60 माइक्रो मतलब 10^-6, सोल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इतने एम्पियर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब क्वेश्चन नंबर 7.5 में क्या कर रहा है, इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 व्हाट इज नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल, एक्सप्लेन योर आंसर। हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7.3 और 7.4 में पावर कंज्यूम्ड कितनी होगी फुल साइकिल में, और आपको पता है जब सर्किट में इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा अकेले अकेले इंडिविजुअल, उस केस में पावर कंजप्शन का फॉर्मूला जीरो था भाई, फुल साइकिल में पावर कंज्यूम जीरो थी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7.5। 7.6 की बात करते हैं भाई, 7.6 में क्या कर रहा है, ऑब्टेन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर हमसे पूछ रहा है एलसीआर सीरीज सर्किट में, एल गिवन है 2 हेनरी, सी गिवन है 32 माइक्रोफेराड, और आर गिवन है 10 ओम, और हमसे क्यू वैल्यू भी पूछ रहा है, क्यों का मतलब है क्वालिटी फैक्टर। अब एक चीज सोचो आराम से, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर हमारे पास थी 1/√LC, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी थी जिस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम होगा, और सर्किट का इंपीडेंस अगर मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम, और यहां से न्यू फर्दर निकल के आई थी 1/2π√LC, लेकिन हमसे पूछा ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर है, तो ये फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, एल गिवन हमारे पास में 2 हेनरी, सी गिवन हमारे पास 32 माइक्रो फैराड, पुट करेंगे तो आएगा 1/√L की वैल्यू 2, और हमारे पास सी हमारे पास 32 माइक्रो मतलब 10^-6, सोल्व कर देंगे हमारे पास आ जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी यूनिट होती है पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है पर सेकेंड। देन बात पूछे आपसे भाई क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर होता है क्यों, और क्वालिटी फैक्टर क्यू का फॉर्मूला होता है 1/√L/c, सारी सारी वैल्यू गिवन है भाई, आर में बता रखा है ये रहा 10 ओम, एल में बता रखा है भाई 2 हेनरी, सी में बता रखा है 32 माइक्रो, माइक्रो को 10^-6 ले लेंगे, क्यों वैल्यू आ जाएगी हमारे पास भाई। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 7.6। तो ना भाई 7.7
7.7 में हमें क्या करा हुआ है, चार्ज्ड 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है और हमने 27 मिली हेनरी इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया है। व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट? हमसे भाई सी बता दिया 30 माइक्रोफैराड और एल बता दिया हमें 27 मिली हेनरी और हमसे पूछ रहा है भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ फ्री ऑसिलेशन की। फ्री ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी का मतलब भी यही है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब भी यही है और सोर्स फ्रीक्वेंसी का मतलब भी यही है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है। तो चार नाम हो गए, फ्री ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सोर्स फ्रीक्वेंसी। चारों में से कोई भी अगर हमसे पूछता है तो सभी के लिए हम यही फाइंड आउट करेंगे। ओमेगा आएगा 1/√ एल अपॉन सी, जबकि एल की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, सोल्व कर देंगे हमारे पास आ जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 7.8 में, 7.8 में क्या कह रहा है भाई, इसी क्वेश्चन के लिए हमसे बात करी इसने भाई। 7.7 में कैपेसिटेंस हमें गिवन था, चार्ज बता दिया हमें 6 मिली कूलम, अगर उसमें इनिशियल चार्ज स्टोर था 6 मिली कूलम तो हमसे पूछ रहा है एनर्जी स्टोर बताओ। सी हमारे पास 30 माइक्रोफेराड, हम लोगों ने चैप्टर नंबर सेकंड में पता था पढ़ा था भाई एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला था क्या, वो स्क्वायर बाय में 2c, एक फॉर्मूला था हाफ सी स्क्वायर, एक फॉर्मूला था 1/2 इंटू क्यू इंटू वी। तो क्यू स्क्वायर बाय 2c से ही सेट हो रहा है यहां पे भाई, चार्ज की वैल्यू 6 मिली कूलम, सी की वैल्यू 30 माइक्रोफेराड, पुट कर देंगे हमारे पास आ जाएगा यहां पे एनर्जी स्टोर्ड, जिसको यू की टर्म में बताएंगे भाई। ठीक है, फिर पूछा है बाद में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, जबकि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी क्या रहेगी सेम। अगर मान लिया वो इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होती भी है तो इंडक्टर वाली एनर्जी कौन सी होगी, मैग्नेटिक एनर्जी, और मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला की जो वैल्यू निकल के आती है वही वैल्यू हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की वैल्यू होती है, मतलब क्यू स्क्वायर बाय में 2c जो कि हो गया 1/2 में 2cv स्क्वायर। यही फॉर्मूला अगर पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे तो वैल्यू आएगी हाफ इंटू एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक वाले की एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होती है b² / 2μ0। ये दोनों एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है और एनर्जी डेंसिटी बराबर है तो आप किसी मेथड से निकालो सेम रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 7.8 था भाई। क्वेश्चन नंबर 7.9 में हमसे क्या कह रहा है भाई, सीरीज LCR सर्किट है भाई, R गिवन है 20 ओम, R है 20 ओम, सीरीज LCR होते R है, L है, C है, सर्किट में 3 ओम भाई, और हमसे क्या कह रहा भाई RLC में भाई R 20 ओम है, L गिवन है 1.5 हेनरी, C गिवन है 35 माइक्रोफैराड, और क्या कह रहा है 200 वोल्ट एसी सप्लाई से कनेक्ट है, तो इसका मतलब ERMS गिवन है 200 वोल्ट, और हमसे पूछ रहा है भाई फ्रीक्वेंसी बताओ जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने भाई आपको बताया, अगेन आपको न्यू फाइंड आउट करनी है जो कि बराबर होगी 1/2 √LC के बराबर। L की वैल्यू गिवन थी मैं भाई, L ये है 1.5 हेनरी, C में गिवन है 35 माइक्रोफेराड, पुट कर देंगे आ जाएगी हमारे पास सोर्स फ्रीक्वेंसी। देन पूछ रहा है व्हाट इज एवरेज पावर ट्रांसफर्ड टू सर्किट इन वन साइकिल, और एवरेज पावर ट्रांसफर्ड का फॉर्मूला LCR सर्किट में था E0 I0 cos φ/2, और E0 √2 बना देंगे इसको हम, E0 √2 हो जाएगा, सिमिलरली I0 √2 होगा cos φ होगा। अब E0 √2 होगा ERMS, ये बन जाएगा IRMS, ठीक है, और ये बन जाएगा cos φ। अब बात आगी ERMS कितना हमारे पास में, ये गिवन था 200 वोल्ट, 200 ही आ गया भाई, कोई बात नहीं। अब IRMS कब मिलेगा, जब मैं ERMS अपॉन में जेड करूंगा, जब ERMS अपॉन में जेड करूंगा तभी तो IRMS मिलेगा, अकेला थोड़ी अब की बार, ना अकेला इंडक्टर ना कैपेसिटर, तो जेड निकालना पड़ेगा यहां पे हमें, और जेड हमारे पास और यहां पे cos φ है, तो 200 एज इट इज, ERMS अगेन 200 और जेड का फॉर्मूला होगा R² + XL - XC का होल स्क्वायर कंप्लीट का रूट जो कि जेड बताएगा, और cos φ का अगेन फॉर्मूला होगा R - Z, और जेड हमारे पास आ जाएगा R² + XL - XC होल स्क्वायर कंप्लीट का रूट।
एक बार स्टेटमेंट दोबारा देख लेते हैं। हमसे पूछा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो कि हमने डिराइव कर दी है, न्यू आ गया। देन पूछ रहा है एवरेज पावर ट्रांसफर्ड फुल साइकिल में जब आरएलसी में होंगे, तो आरएलसी में फॉर्मूला हमारे पास था ई नोट आई नोट कोस पाई बाई टू, ई नोट बाई रूट टू बना दिया, आई नोट बाई रूट टू बना दिया, जो कि हमारे पास वर्क बन के आएगा ई आर एम एस आई आर एम एस कोस पाई। ई आर एम एस 200 था, आई आर एम एस हमारे पास में ई आर एम एस अपॉन जेड बनेगा। जेड का फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, न्यू हम डराइव कर चुके हैं, तो न्यू इंटू 2 पाई न्यू एल बन जाएगा हमारे पास में एक्सएल, और 1 बाई 2 पाई न्यू सी बन जाएगा हमारे पास एक्ससी। तीनों वैल्यू मिल गई, आर आपको पता है, एक्सएल आपको निकाल दिया, एक्ससी आपको निकाल दिया, सोल्व कर देंगे हमारे पास आ जाएगा पावर कंजप्शन फुल साइकिल में आर एल सी सर्किट में कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर भाई 10 है, ए रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए पोर्शन ऑफ मेगावाट ब्रॉडकास्ट बैंड 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज। इफ द एलसी सर्किट हैज एन इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ 200 माइक्रो हेनरी व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। देखो मुझे क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 10 और जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी न्यू वन बता दी 800 किलोहर्ट्ज और न्यू टू बता दी भाई 1200 किलोहर्ट्ज, और हमसे वो क्या कह रहा है इंडक्टेंस हमारे पास गिवन है 200 माइक्रो हेनरी, और हमसे पूछ रहा है कैपेसिटेंस की रेंज बताओ, मतलब सी वन और सी टू की वैल्यू बताओ। एक आराम से जी सोच के देखो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट LC। फ्रीक्वेंसी न्यूवन ले लो भाई 800 किलो है 10^3 इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट। एल हमारे पास में गिवन है कितना 200 माइक्रो 10^-6। सी वन ले लो भाई, यहां से सी वन निकाल लेंगे तो पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी, सी वन यहां से निकल जाएगा हमारा। अगर मैं न्यू टू फ्रीक्वेंसी लेता हूं 1/2 पाई रूट एल हमारे पास सी टू, और ये बन जाएगा न्यू टू इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल हमारे पास है 200 × 10^-6 और सी टू, यहां से सोल्व करेंगे न्यू टू गिवन 1200 किलो है 10^3 इक्वल टू 1/2 पाई रूट 200 × 10^-6 इंटू सी टू। अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा सी टू, और हमसे यही तो पूछा था उसने कि सी वन और सी टू की रेंज बताओ, मतलब कैपेसिटेंस की रेंज बताओ। सी वन कैपेसिटेंस मिल गया, सपोज मान लिया 10 मिल गया हमें वैल्यू, सी टू मिल गया 50 वैल्यू मिल गई, रेंज मिल गया 10 से 50। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी की रेंज गिवन थी, इंडक्टेंस हमें गिवन था, और हमसे पूछ रहा है दोनों के ऊपर अलग अलग वैल्यू कैपेसिटेंस की कितनी होगी। अब क्वेश्चन नंबर भाई 11 डायग्राम गिवन है भाई, ए सीरीज एलसीआर सर्किट भी कनेक्टेड टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड 230 वोल्ट सोर्स, मतलब एसी सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 11 में वोल्टेज गिवन है 230 वोल्ट और जिसमें फ्रीक्वेंसी हमारे पास न्यू वेरिएबल है, इंडक्टेंस एल बता दिया 5 हेनरी, सी बता दिया 80 माइक्रो फेराड, माइक्रो 10^-6 फेराड, आर इज इक्वल टू 40 ओम, और ये हमारे पास सर्किट था आर हो गया भाई, इस तरह हमारे पास में सी दे दिया, ये इंडक्टर दे दिया भाई और एसी सोर्स लगा रखा भाई। अब इसमें हमसे पूछा इसने भाई पहला डिटरमाइन सोर्स फ्रीक्वेंसी व्हिच डराइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस, जब रेजोनेंस कंडीशन होगी तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और सीधी सी बात है रेजोनेंस कंडीशन पे फ्रीक्वेंसी का नाम था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और जिसकी वैल्यू थी न्यू इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC। अब हम वैल्यू देखो क्या क्या गिवन है, एल गिवन है, सी भी गिवन है, 2 पाई पता है, सोल्व कर देंगे क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अगर बात करते हैं सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट हमसे पूछा ऑब्टेन इंपीडेंस ऑफ सर्किट, इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर कंप्लीट का रूट, जबकि
अगर बात करें एप्सिलॉन होता है ओमेगा एल और ओमेगा एल की वैल्यू है 2 पाई न्यू इनटू एल। न्यू मेरे पास गिवन है 50 हर्ट्ज होती है, अगर गिवन नहीं है तो सर्किट में हमेशा 50 हर्ट्ज मान के चलेंगे। 2 एज इट इज पाई की वैल्यू 22/7 और 50 हर्ट्ज एल मेरे पास गिवन था 5 एक्सएल आ जाएगा यहां से। एक्ससी होता है 1 बाई ओमेगा सी और 1 बाई ओमेगा सी का मतलब 1 बाई 2 पाई न्यू सी, तो 1 बाई 2 पाई की वैल्यू 22/7 न्यू हमारे पास में भाई जो यहां से डराइव करेंगे वो वाली वैल्यू सॉरी भाई 50 हर्ट्ज में बने भाई यहां न्यू जो डराइव करेंगे वो वैल्यू कुट की जाएगी भाई, जो न्यू हमारे पास आएगी वो वैल्यू कितने भी आए थे वो न्यू लेंगे भाई न्यू। और सी हमारे पास में गिवन था 80 माइक्रो है 10 की बार माइनस है भाई। एक्ससी यहां से आ गया एक्सएल यहां से आ गया एक्सएल और एक्ससी मिल गए आर मुझे पता है इंपीडेंस आ जाएगा यहां से इंपीडेंस निकल गया जड़ में निकालना था। फिर इसमें साथ में एक और चीज पूछी थी इसने भाई एड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। करंट का एम्पलीट्यूड बताना है जब रेजोनेंट कंडीशन होगी, जब रेजोनेंट कंडीशन होगी तो उस टाइम पे इसका सेकंड पार्ट का बी पार्ट, जब रेजोनेंट कंडीशन होगी तो रेजोनेंट कंडीशन की खास बात थी जेड जो है मिनिमम होगा और जेड मिनिमम जब होगा तो आर रेजिस्टेंस के बराबर होगा, रेजिस्टेंस के बराबर होगा। जेड अगर रेजिस्टेंस के बराबर है तो करंट हमारे पास होगा ईएमएफ जो कि वोल्टेज है अपॉन में जेड कर देंगे हमारे पास आ जाएगा करंट भी। अब जेड किसके बराबर था आर के बराबर और आर मेरे पास गिवन है कितना 40, दोनों को डिवाइड कर देंगे करंट आ जाएगा हमारे पास में। थर्ड पॉइंट और पूछा भाई डिटरमाइन आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप, आरएमएस पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। तो 3 एलिमेंट है रेजिस्टर है कैपेसिटर है और इंडक्टर, इन तीनों के अक्रॉस आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप। आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है अगर मैं आई आरएमएस इनटू रेजिस्टेंस ले लेता हूं, आरएमएस अगर मैं करंट ले लेता हूं रेजिस्टेंस ले लेता हूं तो वी आरएमएस आ जाएगा बट ये आएगा आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। वी आरएमएस गिवन है 230, वी आरएमएस गिवन है 230, रेजिस्टेंस मेरे पास गिवन है 40 ओम, वी आरएमएस आ गया से। अगर वी आरएमएस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछ रहा है तो यह आ गई। फिर बात करें सीरीज में करंट सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है तो आई आर एम एस एज इट इज रहेगा और अब की बार सी के लिए बात कर रहे हैं तो सी के लिए रेजिस्टेंस होता है एक्ससी, तो यहां से एक्ससी की वैल्यू डराइव कर चुके हैं पहले ही, तो हमारे पास आ जाएगा वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। अगर बात करें इंडक्टर की तो क्या होगा आई आर एम एस इंटू में एक्सएल, आई आर एम एस इंटू एक्सएल, एक्सएल भी हम डराइव कर चुके हैं, यहां से आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। और ये हमारे पास थे भाई एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस।